मेरा आज का वीडियो आप सबके लिए एक न्यूज है और न्यूज से कहीं ज्यादा आप सबके लिए एक चेतावनी और एक अवेयरनेस। हैदराबाद की एक लेडी जो कि अचानक से नाइट में ब्लाइंड हो जाती है और जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसको जो प्रॉब्लम हुई वो है स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम। एक्चुअली में उस लेडी ने नाइट का काफी लॉन्ग पीरियड फोन पे बिताया और नाइट में डार्क में फोन को कॉन्टिन्यूसली वॉच करने की वजह से उसको ये सिंड्रोम हुआ। अब अगर हम और आप ये सोचें कि हमें तो ये सिंड्रोम हो नहीं सकता, तो याद रखिए कि चाहे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या फिर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से कोई हेल्थ प्रॉब्लम, केसेस हमेशा वन से ही शुरू होते हैं। हमारी आंखों की बनावट इस तरीके की नहीं होती कि हम किसी भी डिवाइस को बिना किसी गैप के कॉन्टिन्यूसली वॉच करते जाएं। इस सिंड्रोम से बचने के लिए एक छोटा सा रूल है, वो है 20-20-20 रूल। इसमें आपको 20 मिनट तक कोई भी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर स्क्रीन हो, लैपटॉप स्क्रीन, आपको एवरी 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट रखी दूर ऑब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली वॉच करना है। जिस चीज को आपको इमीडिएटली स्टॉप करना है वो है आपको नाइट में डार्क में फोन को नहीं देखना। Yes, फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स भी हमारी फेस पे पड़ती हैं, जिससे कि हमें एजिंग प्रॉब्लम भी कॉज होती है और इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। या कोई भी डिजिटल स्क्रीन, चाहे वो फोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, आप कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हैं तो आपको अपनी आंखों को बीच बीच में ब्लिंक करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों में टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि आपकी आंखें मॉइस्ट होती हैं, रिफ्रेश होती हैं। नेक्स्ट, आप जिस रूम में अपनी डिजिटल स्क्रीन को वॉच कर रहे हैं वहां पे लाइट बहुत ब्राइट नहीं होनी चाहिए, बहुत डिम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों ही केस में आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। कभी कभी जब हम मोबाइल वॉच कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसी फॉन्ट्स आ जाती हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं और हम उसको पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे केस में हमेशा आपको फॉन्ट साइज को इनलार्ज कर लेना चाहिए, अपनी आंखों पे स्ट्रेन नहीं देना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपनी डिजिटल स्क्रीन के टाइम को लिमिटेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने हम अपने डिवाइसेस के एडिक्ट होते जा रहे हैं और अब ये डिवाइस हमें कंट्रोल करती हैं, हम डिवाइस को नहीं। एंड यस, हमने तो अपना चाइल्डहुड फोन में, मोबाइल फोन में इतना नहीं बिताया, तो इस जनरेशन में तो इस सिंड्रोम के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे किड्स हैं, उनको हमें डिवाइस टाइम हमेशा कंट्रोल करके देना चाहिए, क्योंकि उनके केस में वो आज से अभी से मोबाइल फोन को कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस मोबाइल फोन विजन सिंड्रोम से बचने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, आप उन तरीकों को अपनाइए और अपने मोबाइल फोन को आराम से यूज कीजिए। फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू कंट्रोल योर डिवाइसेस, डोंट बी इन द कंट्रोल ऑफ योर डिवाइसेस एंड टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब माई चैनल अ मैजिकल कॉर्नर।